जम्मू प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 1947 से लेके उनका ये मानना था, आम कार्यकर्ता का ये मानना था कि महाराजा हरि सिंह जो कि एक नेशनल हीरो है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह उनका जो इतिहास में रोल रहा है वो मैं कहूंगा कि अनपैरेलल है। सभी के ध्यान में जो बात आती है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, इसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि बना और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के उस लोकतंत्र के हिस्सा बने। तो एक ऐतिहासिक जो कदम था महाराजा हरि सिंह का वो जो है उसको आज तक भारत में रूल करने वाली जितनी भी पार्टीज थी, विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर केंद्रित ही पीडीपी बाकी जो लोग थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को उनका जो स्थान है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो षड्यंत्र के तौर पर नहीं दिया। जम्मू के लोगों ने, जम्मू के जो उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि महाराजा हरि सिंह जी को वो स्थान मिले, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, भारतवर्ष का मैं इसको सौभाग्य कहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह उनकी योजना और प्रधानमंत्री जी का जो उनके नेतृत्व में जो एक फैसला हुआ जम्मू कश्मीर में 370 गया, 35A को समाप्त किया और जिस प्रकार से पूर्ण विलय हुआ उसके मद्देनजर जो यहां पर जो हमारे नेशनल सिंबल थे, नेशनल हीरो थे जिसमें महाराजा हरि सिंह आते हैं, उनको मान्यता मिली और उनको जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था उसकी शुरुआत हुई। राष्ट्र के बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से महाराजा हरि सिंह उनको जम्मू कश्मीर से बड़ा षड्यंत्र करके पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो मिली भगत थी उसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर से अपना जो उनकी मात्र उनके जो अपना घर था यहां से उनको स्टेट पदर किया गया, एग्जाइल दिया गया। आज वो लोग मैं देख रहा था कि कांग्रेस के लोग बड़ा क्लेम कर रहे थे, चुनभैया नेता जो कांग्रेस के हैं, आज कश्मीर में जिस प्रकार से लोग जो है आज भी इस घोषणा से बड़े जो है दुखी है, जो लोग वो है जो लगावाद को अभी भी देते हैं, जो है उसको सपोर्ट करते हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बाकी जो लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि वो बताएं, आज वो क्लेम करते हैं कि नहीं जी हमने किया, जब हमारा भी योगदान था, कांग्रेस के जम्मू के नेता इस प्रकार की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि महाराजा हरि सिंह को जो आपने स्टेट पत्र किया, जहां से एग्जाइल किया, महाराजा हरि सिंह जिंदा वापस नहीं आए, उनकी अस्थियां आए जम्मू में, या जम्मू के लोग भूले नहीं है कि आपका जो षड्यंत्र था वो महाराजा हरि सिंह, फिर महाराजा हरि सिंह ने वो सिर्फ उनका यही मात्र जो कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था जो विलय करना, महाराजा हरि सिंह बहुत बड़े समाज सुधारक,
प्रोग्रेसिव रूलर थे। 1932 में महाराजा हरि सिंह ने, आपके ध्यान में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में जहां पर जो हमारे हरिजन भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, उनको स्टेट के जो मंदिर थे, जो यहां के मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, महाराजा हरि सिंह ने वो कानून पास करके, ऑर्डर पास करके, उन्होंने हरिजनों को स्टेट टेम्पल्स में एंट्री दी। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि रघुनाथ मंदिर के अधिष्ठाता जो रॉयल फैमिली के पंडित थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। महाराजा हरि सिंह ने उनके इस्तीफे को माना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा ले लिया और हरिजनों को स्टेट टेम्पल्स में, जो मंदिरों में प्रवेश दिया। यहां के जो लोग थे, आम लोग थे, विशेष तौर पर मुस्लिम, यहां के जो हरिजन थे या बाकी कम्युनिटी जो एजुकेशन बैकवर्ड थी, उनकी एजुकेशन के लिए महाराजा हरि सिंह ने बहुत बड़ा उनका योगदान था। ये आज वो बात करते हैं, आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग, जिस प्रकार से महाराजा को एक विलेन के तौर पर इन्होंने प्रोजेक्ट किया था कांग्रेस के लोगों ने, वो महाराजा थे जिन्होंने सरकारी स्कूलों में जो है मौलवियों और मुल्ला मौलवियों को अपॉइंट किया और वहां पर कुरान की एजुकेशन दी जाती थी, ताकि जो मुस्लिम जो थे, क्योंकि मुसलमान जो थे, जो जो एजुकेशन थी, खासतौर इंग्लिश एजुकेशन और जो आज जो एजुकेशन अट्रैक्ट थी, जो मदरसों में जाते थे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जो उस समय मुल्ला मौलवी जो थे यही लोग थे जो उस समय के राजनीतिक जो ये लीडर थे, वो कहते थे कि अगर आप जो है सरकारी स्कूलों में जाओगे तो आप अपना मस्जिद खोदोगे, उसके लिए महाराजा हरि सिंह ने यह किया। तो महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं ये कहूंगा कि हम आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, अब आभार प्रकट करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह का, आभार प्रकट करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, और वो सभी नुक्कड़ प्रदेश के लोगों का जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है। मेरे साथ साथी शर्मा जी है, अपने सुभाष चौधरी जी बैठे हुए हैं, नारायण सिंह जी हैं, हमें मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब हम कोलिशन में थे तभी हमने ये कोशिश की और बहुत बड़े जोर लगाया हमने। आपको मालूम होगा कि अपर हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, पास हुआ, हमारी जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसको रेजोल्यूशन को पास किया है, और कैबिनेट में, कैबिनेट के अपने चौधरी श्यामलाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमने देखा कितना हमने संघर्ष किया वहां पर, लेकिन क्योंकि उसकी जो है पीडीपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी और इस प्रकार की बात थी, लेकिन उस समय वो कामयाब नहीं हो सके यहां, और शायद यही कारण बना, यही कुछ कारण थे जिस कारण 5 अगस्त 2019 जो है वो आया। और इन लोगों को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जितने भी लगावादी तत्व थे, जो एंटी नेशनल और इस प्रकार के तत्व थे, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय जो हमारे नेता है, हमारे जो हमारे जो सम्मान जिनको मिलना चाहिए मिला, इसी कारण जो ये भी कारण बहुत बड़ा कारण था कि आज जो है 370 करोड़ के और भारतीय जनता पार्टी ने और 35 को समाप्त करके जिस प्रकार का पूर्ण विलय किया, इस विलय के कारण इतिहास में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि आप देखते हैं। हम एक यह भी मैं बताना चाहूंगा कि महाराजा हरि सिंह एक जन्म जो हुआ था 23 सितंबर को, जो कि छुट्टी घोषित हुई है, एक जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, जब उन्होंने भारत माता की कोख से जन्म लिया, विलय पत्र को उन्होंने जो है साइन करके, तो वो नेशनल हीरो हो गए, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र ने छुट्टी घोषणा की। और आज जो है जो थोड़ा अधूरा लगता था हम सभी को, नहीं पे वो पूरी कमी, वह उस कमी को भी पूरा किया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोग और जम्मू डुग्गर प्रदेश के हमारे जो डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो है कि एक
और हरजीत साहब को और केंद्र सरकार को नरेंद्र भाई मोदी रामेंद्र भाई साहब जो की उनका भार प्रकट करता है कि आपने को बड़ा काम करके आज खुशी की लहर है, जगह जगह जो है मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जिस प्रकार से आज वोट धमाके हो रहे हैं, तो लोगों की जो मन की बात थी वो हुई है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक सवाल है कि जो लोग लगातार पूछते आ रहे हैं 14 से 15 दिन युवा राज्यसभा और फिर डोगे जो है महाराजा हरि सिंह की शक्ति को लेकर लगातार बैठे, राज्य भी बताएगी डोगे से फिर बैठे, लेकिन लोगों का मानना ऐसे है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हमने चलाई है, सही बात में पूछा जाए तो क्रेडिट किसको जाना है, क्या जम्मू के लोगों को, क्या भारतीय जनता पार्टी को, क्या युवा राज्यसभा को, किसको सही मायने में क्रेडिट जाता है। देखिये मैंने जो पृष्ठभूमि रखी है आपने उसको सुना होगा, ये क्रेडिट जाता है जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, वो लोग जो लगातार 1947 से इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, प्रजा परिषद से लेके जब एक प्रधान एक निशान से लेके 16 लोगों की शहादत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत, और जो जिस तरीके से डॉक्टर नारायण सिंह जी भी थे हमारे अमृत क्षेत्र राज्यसभा के अध्यक्ष थे, और जिस प्रकार सरकार का वो लगातार संघर्ष के बाद जो है ये देखने को मिला है, जो बड़े 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 लोग जो है मुझे कहूंगा जो लोग जो है क्लेम कर रहे हैं वो पावर में थे तब, ठीक है, युवा राज्यसभा का उनका है, उन्होंने जो है उन्होंने धरना दिया है, लेकिन सभी लोगों के प्रयास से हुए हैं, हम किसी को किसी का कम इसमें योगदान ना किसका ज्यादा है इसमें हम जो है मानते नहीं है, हम सभी का जितने भी लोग हैं मध्य प्रदेश के लोग हैं जो महाराजा हरि सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, हीरो मानते हैं, सभी का सर कैडिट कह रहे हैं, सिर्फ यही सवाल आप कह रहे हैं कि कैडिट बीजेपी ले रही है, कैडिट हालांकि तमाम पार्टी ने कहा इस मतलब को कैडिट को लेने पहुंचे पार्टी ना पार्टी वहां पर जब छुटे हुए तो उनका कांग्रेस कांग्रेस को मैं पूछूंगा कांग्रेस को मैं पूछूंगा तो महाराजा हरि सिंह को आज आप क्रेडिट ले रहे हो, जब उनको स्टेट से जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा गया था, जहर दिया गया था, तब कहां थे आपका सबसे बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू यहाँ थे, शेख अब्दुल्ला यहाँ पर थे, और दोनों की जो षड्यंत्र का महाराजा हरि सिंह को जो है बाहर किया गया, उनकी अस्थियां ही थी यहाँ, आज आप क्रेडिट लेते हो, 72 साल आप थे क्यों नहीं थी छुट्टी, आप तो जो है 5 दिसंबर को देते थे आप और 13 जुलाई को आप छुट्टी देते थे, जबकि जो है सेंट्रल कश्मीर के ऊपर जो है मुसलमानों ने अटैक किया, उसमें कुछ लोग मारे गए जिसको शहीदी दिन आप कहते थे, आज आप क्रेडिट लेते हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सवाल ये भी बनता है सर कि जब बच्चों पर लाठियां चलाएगी, जब कुल को 144 नारा लगाएगी, तब जब उन बच्चों पर लाठियां चलाएगी, तब जब भाजपा के नेताओं से पूछा जाता था तब कोई भी भाजपा का नेता सामने आकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ एक ही बात कही जाती थी कि हमारी एलजी मनोज सिन्हा जी से बात चल रही है, लेकिन आज जब छुट्टी अनाउंस हुई तो युवा राजपूत सभा के साथ सिर्फ भाजपा के ही नेता जो है दिखे, सवाल इस पर उठ रहा है, भाजपा का नेता जो थे उनको क्यों नहीं जाना चाहिए, हमने भाई साहब घूम दिया है जम्मू कश्मीर, लेकिन सर जब धारा 144 लगाएगी तभी तो भाजपा के नेताओं को बोलना चाहिए, प्रश्न कर दिया था, सुन लीजिए, देखिए 1947 से लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके आपको पता होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह का प्रजा परिषद में पूरा उन्होंने सहयोग किया था, कैप्टन दीवान सिंह जी थे वो पूरी कहानी सुनाते थे, ठीक है, तो भारतीय भाजपा प्रजा परिषद से लेकर जब भाजपा तक जो है हमने संघर्ष किया है, और आज छुट्टी कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग आज तक क्यों नहीं दी गई, अगर आप क्लेम करते हो और आज आप इस प्रकार की जो है राज्यसभा ने संघर्ष किया है उसका कोई उनको नहीं, इसलिए तो वो भी पगड़ियां पहनी थी उन्होंने जो है, उन्होंने भी अरजीत साहब को पगड़ी बनाई, हमारे जो हम लोग थे हमको भी पगड़ी बनाई, वो मानते हैं, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, इसलिए इन बात को इनकी कोई सुनता नहीं है, और सबसे बड़ी है आज इस प्रकार की कंट्रोवर्सी की आवश्यकता नहीं थी, कांग्रेस जो है क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब है कि वो रोम जो है उसमें जो जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं, वो जो है उनका कोई हक नहीं बनता कि महाराज हरि सिंह के बारे में बात करते हो इस प्रकार की बात करें, आप तो हथियार हो, कांग्रेस तो
हमने महाराज हरीश सिंह को कितना बड़ा जो है हमें यहाँ से बाहर किया गया और शेख अब्दुल्ला के कहने पर नेहरू ने किया बाबे कांग्रेस एनसीपीडीपी के नेता है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो उनके मुख से एक भी शब्द जो है महाराज जी की छुट्टी को लेकर पर मांगती हूँ उन्होंने क्योंकि हालांकि ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं लेकिन कल से भी फिर समझ नहीं है। अभी आप लोगों ने माननीय निर्मल सिंह जी की बात सुनी थी कि 24 जनवरी 2017 को अपर हाउस में ये पारित हुआ और जो दो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो बाहर निकली थी संसद के बाहर निकली थी वो कांग्रेस और एनसी थी। आज वो पार्टियां कैसे किस मुंह के साथ मिल करेंगी उन्हीं के कारण और उस वक्त अपर हाउस में पारित हुआ था और अगर भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी के साथ बाहर आना पड़ा तो कारण एक ये भी था क्योंकि आने वाले हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त चाहते थे कि अपर हाउस में पारित हुआ है तो कैबिनेट में भी पारित होना चाहिए कैबिनेट में भी पास होना चाहिए जिसके चलते कुछ डिफरेंसेस आए थे और विपरीत डिफरेंसेस किए जाते हैं और सेंटर में सरकार जो है भाजपा की सरकार थी। अगर आप सेंटर को सारा श्रेय दे रहे हैं और बोल रहे हैं तो ये 2020 2021 2022 में उसमें सस्ती डिबेट है आप इतना बड़ा ओकेजन है खुशी की लहर है उसको बनाना चाहिए इसको उसमें बनाना चाहिए सारे प्रकार की कड़वस में नहीं बनना चाहिए जो राजनीतिक रोटियां सेकने सारी दुनिया जानती है उनका क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।